फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन और फ्रेम को कैसे अलग किया जाता है। ये रहा मेरा ओल्ड स्क्रीन जिसका टच पैड टूटा हुआ है। सबसे पहले निकाल लेते हैं ये बैक पैनल। स्क्रीन और फ्रेम को रिमूव करने के लिए ये सेपरेटर मशीन मार्केट में मिलता है, बट सिंस ये DIY ट्यूटोरियल है तो मैं हेयर ड्रायर की मदद से एक कोने से शुरुआत करूंगा एंड इसे हीट करूंगा। ये हेयर ड्रायर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 60°C एंड स्क्रीन रिमूव करने के लिए मुझे लगेगा कम से कम 85 to 90°C। हीट करने के बाद प्लास्टिक प्राई टूल की मदद से स्क्रीन और फ्रेम के बीच में प्लेस कर दूंगा ताकि उसका एडहेसिव ठंडा ना हो और वापस फिक्स ना हो जाए। प्लास्टिक प्राई टूल की जगह पर ये कार्ड में प्लेस कर देता हूँ ताकि स्क्रीन आगे ना टूट जाए। ये प्रोसेस जो हीट करना और कार्ड को स्लाइड करना तब तक चलता रहेगा जब तक आपका स्क्रीन सेपरेट ना हो जाए। अगर आप हेयर ड्रायर की जगह पर कोई दूसरा हीटर या ब्लोअर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने से स्क्रीन डैमेज हो सकता है। तब तक ये स्क्रीन को हीट करते रहेंगे एंड कार्ड को स्लाइड करते रहेंगे। एंड याद रखें, इस प्रोसेस से आपका स्क्रीन 15 से 20 मिनट में सेपरेट हो जाएगा। एंड ये हीट एंड स्लाइड करने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका स्क्रीन सेपरेट ना हो जाए। एंड फाइनली आप देख सकते हैं ये स्क्रीन सेपरेट हो चुका है। सो बेसिकली स्क्रीन सेपरेटर ऐसा मशीन है जो स्क्रीन को प्रोपोर्शनेटली हीट करता है एंड उसका जो एडहेसिव है वो इजीली सॉफ्ट कर देता है एंड उसे आप अपना स्क्रीन इजीली रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली स्क्रीन को रिमूव करने के लिए आप अपना टेम्परेचर 90° तक सेट कर सकते हैं। ये रहा उसका मिड फ्रेम। आगे जो रहता है वो है टच पैड एंड ये पीछे आप देख सकते हैं स्क्रीन का डिस्प्ले। एंड सिंस इसका टच पैड टूटा हुआ है एंड ये स्क्रीन खराब है तो मैं इसको वापस रीअसेंबल नहीं करूंगा। बट अगर आपको रीअसेंबल करना होगा तो पहले पुराना रेसिड्यू क्लीन करके फिर उस पर डबल साइडेड टेप लगाकर अपना स्क्रीन फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।